हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है रसिया जॉब्स के बारे में। जी हाँ, रसिया के लिए अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ चुका है और ये जो रिक्वायरमेंट आया है फ्रेंड, इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। आप लोग से मैं बता दूं फ्रेंड, आप लोग जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर हैं उनको पता होगा कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर करता हूं वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है, तभी मैं आप लोग से शेयर करता हूं, ठीक है? वरना रिक्वायरमेंट मैं आप लोग से शेयर नहीं करता हूं। तो फ्रेंड, अभी मैं डेली असाइनमेंट पेपर चेक कर रहा था, तो जैसे हमको ये रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला कि यानी कि ये इंडिया की लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, तो सोचा कि क्यों ना अपने भाई लोग के साथ शेयर किया जाए, बताया जाए जल्द से जल्द, ताकि वो लोग जो भी स्टेट से हैं, जो भी हमारे भाई ऑफिस पे जाए और अपना सिलेक्शन कराए और रसिया के लिए फ्लाइट कराए। फ्रेंड, आपसे मैं बता दूं कि रसिया के लिए और यूरोप के लिए तो डेली रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो भी ऑफिस में रिक्वायरमेंट आता है सब दो नंबर का ऑफिस रहता है। यानी कि अगर आप ऑफिस पे जाते हैं तो ऑफिस पे ऑफिस वाले लोग आपको फंसा देते हैं, केवल मेडिकल कराकर पैसा बना लेते हैं। बहुत से ऑफिस में मुझे भरोसा नहीं है, वो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस नहीं रहती है, लेकिन ये जो ऑफिस में बताने वाला हूँ वो विदेश मंत्रालय द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है और इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, इसमें क्या एज मांगा है और फाइनली क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मतलब क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा फ्रेंड कि कौन सी ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि गल्फ से रिलेटिव, यूरोप कंट्री से रिलेटिव, रसिया से रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वीज़ा से रिलेटिव, टिकट से रिलेटिव, पासपोर्ट से रिलेटिव, तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो रसिया के लिए रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, ये है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, ठीक है? सबसे पहले जो ट्रेड है फ्रेंड वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। सबसे पहले मैं बता दूं बीच में ही रुक के कि ये जो रिक्वायरमेंट है शीला कंसल्टेंस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? यानी कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आप इसका मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना? सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटर चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल फिटर का रिक्वायरमेंट है और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए और ई एंड आई फिटर का भी रिक्वायरमेंट है और ई एंड आई टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं रिपीट कर दूं फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर, ई एंड आई फिटर और ई एंड आई टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही फ्रेंड, दो ट्रेड का और रिक्वायरमेंट है। जो पहला ट्रेड है वो है इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर। जी हाँ, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट है और इसका फोल्डिंग इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका फोल्डिंग इंजीनियर में इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी हमारे भाई लोग के पास इंजीनियरिंग डिग्री होगा सिर्फ उन्हीं के लिए मतलब ये रिक्वायरमेंट है, वही सिर्फ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना? इसमें इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इसका फोल्डिंग इंजीनियर में, और CIRS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, एक सर्टिफिकेट होता है CIRS, वो सर्टिफिकेट चाहिए और CITB सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, ये भी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर और इसका फोल्डिंग इंजीनियर में कंपनी फूड और एकोमोडेशन प्रोवाइड, यानी कि कंपनी का खाना और एकोमोडेशन जो भी फैसिलिटी है सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना? और इसमें भी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंट फिटर, ई एंड आई फिटर और ई एंड आई टेक्नीशियन, इसमें भी कंपनी का फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है, ठीक है? इसके साथ में मतलब ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और शॉर्टलिस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफिस पे चल रहा है। तो शीला कंसल्टेंस ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड, ध्यान से सुनिए, शीला कंसल्टेंस मैन पावर, जी हाँ, ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। तो ध्यान से सुनिए, इसका एड्रेस शीला कंसल्टेंस, 1203 यूनिवर्सल मजेस्टिक, PL लोखंडे मार्ग, चेंबूर वेस्ट, मुंबई। जी हाँ, 1203 यूनिवर्सल मजेस्टिक, PL लोखंडे मार्ग, चेंबूर वेस्ट, मुंबई, ये ऑफिस का एड्रेस है फ्रेंड, ठीक है? और इसका मोबाइल नंबर मैं बता दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है फ्रेंड +91 93
+9 1 9 3 2 1 2 7 8 1 9 4। जी हाँ, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, +9 1 9 3 2 1 2 7 8 1 9 4। ये मोबाइल नंबर है, जो भी हमारे भाई लोग अगर इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं तो ये मोबाइल नंबर पे अपना मैसेज करके या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और ईमेल आईडी भी बता दे रहा हूँ, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी है फ्रेंड sufyan@seelaconsultate.com। जी हाँ, sufyan@seelaconsultate.com ये ईमेल आईडी है। और फ्रेंड ये जो ईमेल आईडी में बताया, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फिटर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट फिटर एंड E&I फिटर E&I टेक्नीशियन का ईमेल आईडी है। और बाकी अगर जो भी हमारे भाई लोग इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इसका फोल्डिंग इंजीनियर अगर आप ये ट्रेड से हैं तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अलग हमें बता दे रहा हूँ, लेकिन ऑफिस सेम है, सीला कंसल्टेंट्स ऑफिस, इंडिया की बेस्ट ऑफिस, ठीक है। तो इसका ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ, era@seelaconsultate.com ये ईमेल आईडी है। और कॉन्टैक्ट नंबर लैंडलाइन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर फ्रेंड 02-422-00008। जी हाँ, 02-422-00008 ये लैंडलाइन नंबर है। जो भी हमारे भाई लोग स्टेट से हैं, इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इसका फोल्डिंग और इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल फिटर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट फिटर और E&I फिटर E&I टेक्नीशियन, अगर वो लोग रसिया जाना चाहते हैं तो फ्रेंड देर मत कीजिए, फटाफट ऑफिस पे जाइए और अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए, ठीक है ना। ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। अगर आप ऑफिस पे जा रहे हैं, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू निकल जा रहा है, अगर आप इंटरव्यू पास कर रहे हैं तो आपका 100% फ्लाइट होगा, ठीक है ना। ये मैं गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। ये ऑफिस में ऑलरेडी मैं फ्लाइट कर चुका हूँ कतर में, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।